जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बोलो आनंद एकवार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन सोमवार है, तिथि आषाढ़ शुक्ल तृतीया। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत, बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। भगवद गीता एक अमूल्य काव्य है या कविता है। गीता मतलब जो गाया जाता है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। बहुत ही दिव्य है। पहली बात तो ये डिवाइन है, इट इज डिवाइन, क्योंकि भगवान की वाणी है। इसमें एक श्लोक है, उसको पढ़ के सुना रहे हैं। ये महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने किया है। उसमें जो गीता जो है, भगवत गीता, ये महाभारत का एक हिस्सा है, एक अंश है। तो जहाँ गीता का उल्लेख हुआ है, वर्णन हुआ है, लिखा गया है, उसके अंत में वेदव्यास जी ने अपने तरफ से एक श्लोक लिखा। ये श्लोक जो है इस प्रकार है। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रुता विनिश्रुता मुख पद्मा विनिश्रुता मुख पद्म से विनिश्रुता मतलब निकला है, सृजन होना, निकलना, उसको विनिश्रुता कहते। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतकरण में धारण कर लेना मनुष्य मुख्य कर्तव्य है मनुष्य का। और ये जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है, फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। तो भगवत गीता का जो अध्ययन करके समझ करके जीवन में धारण कर लिया, उसको दूसरे किसी शास्त्र के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं पूछने की जरूरत नहीं। स्वयं भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इसी भगवद गीता के आखिरी आखिरी में भगवान स्वयं अपने मुंह से भी इस बारे में बताया, ऐसा इसमें। तो गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे, तो ये भगवद गीता की महिमा है, महात्म्य है। तो इसलिए भगवद गीता को जो पुस्तक है, जैसे छोटा पुस्तक है ये हार भवन है, इसको पढ़ो सब लोग, चाहे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, कोई भी मनुष्य जो है इसको साथ रखो। मेरा ये वो है सिफारिश, मैं संस्तुति करती हूँ इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ। इसको रखो लेकिन श्रद्धा से, श्रद्धा नहीं है तो मत रखो, उसमें पाप लग जाएगा, फिर अपराध हो जाएगा। श्रद्धा से रखो, और कुछ अगर ना भी पढ़ना हो तो भी अपना अन्य पुस्तकें आदि जहाँ रखे हो वहीं रख लो, या सिराने तकिया के नीचे रख लो, या टेबल के ऊपर रख लो, या किसी ऐसे स्थान में रख लो जहाँ प्रतिदिन दर्शन करते हो, देखते रहो। अगर पढ़ सको प्रतिदिन एक एक श्लोक पढ़ो, कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा। खास करके जो भूत प्रेत आदि का एक रहता है मामला, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। दूसरा, जो एक्सीडेंट आदि होता रहता है, दुर्घटना एक्सीडेंट प्रोन जो लोग हैं या अन्य लोग भी, वो एक्सीडेंट दुर्घटना से भी बचेंगे। और तीसरा ये है कि तुम्हारा
तुमको अच्छापन का एक अनुभव होगा, एक शांति का अनुभव होगा। और अशांत चित्त जो रहते हो, घबराए घबराए से रहते हो, या कोई जल्दी से टेंशन हो या तनाव हो जाता है, वो धीरे धीरे कम हो के शांति आएगी तुम्हारे में, शांति का अनुभव होगा। और बाकी उपद्रव जो होते हैं संसार में, जो चकारी मकारी जो भी होता रहता है, उससे भी थोड़ा सा बचोगे। और बच्चों को भी इसका संस्कार डालो, भगवत गीता का साथ रखने का। दिखी पंडा का साथ भगवत गीता बचपन से रहे हैं, वो एक और है, वो ना वो हार बाउंड नहीं है, वो प्लेन ऐसे ही कागज से लपेटा हुआ है, बंधा हुआ है, लेकिन वो पुस्तक इंटेक्ट या नहीं, एक हार बाउंड है, छोटा सा, इससे भी छोटा, इससे एकदम छोटा, बहुत छोटा सा हार बाउंड है वो, क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग लगा हुआ है, याद आ रहा है, तो वो बचपन से रखा है, तो कितना कल्याण हो गया, चमत्कार हो गया भगवत गीता साथ रखने से, ऐसा भी समझ सकता है कोई। मैं कह रही हूँ ये बात, समझने की बात नहीं है, मेरे अनुभव की, मेरी जीवन दर्शन है, जीवन साक्षात प्रमाण है, और सबूत कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो प्रमाण हूँ, साक्षात बैठी हूँ, देखिये तुम्हारे सामने भगवान की प्राप्ति करके मजे में, तो वही गीता जो साथ में रहा भगवान की वाणी, वो पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, अंडरलाइन कर किए हैं उसमें, रेखांकित किए हैं, चिन्ह लगाए हैं, तो पढ़ते थे, समझते हुए पढ़ते थे, कुछ कोई आदत नहीं था, अभ्यास नहीं था पढ़ने का, नियमित पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं था, पढ़ते रहे उसको, तो उसमें आज देखो कितना कल्याण हुआ, परम कल्याण, परम पद में भगवान बैठा लिए और सब कुछ दे दिए, अपने को दान कर दिए मुझे भगवान, भगवान की प्राप्ति हो गई, और आज भी भगवान मेरे साथ रहते हैं, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल तयशुदा बात है, भगवान का नियम है, तो बहुत बड़ी बात हो गई ये, नहीं तो ये आईपीएस अधिकारी दूसरों की तरह है, नाना प्रकार का प्रपंच करके रिटायर होकर के ताम झाम कर, अरे क्या बात है, हम आईजी पुलिस है, तुम क्या समझ रखे हो, इधर दौड़ाओ उधर कूदाओ, पुलिस को लगाओ, इसको सताओ उसको सताओ। आश्चर्य की बात यह है कि डीके पंडा जब सर्विस में था तब भी कभी अपना रोब नहीं झाड़ा है, कहीं किसी को एक बार भी नहीं कहा है कि क्या समझते हो मैं आईपीएस अधिकारी हूँ, ऐसा उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बिल्कुल नहीं कहा है कभी कभी, चाहे गरीब से गरीब आदमी आते थे उसके पास, वो तो वेलकम करता था, गरीब जितने गरीब आदमी आते थे, जितने असहाय है उसको ज्यादा संरक्षित करके, जैसे भगवान अपने गोद में बैठा लेते हैं या अपने आगोश में ले लेते हैं, उसी तरह वो करता था, किसी की समस्या हो, वो जो भी घंटी सुनने के लिए सिपाही उपाही ड्यूटी पे रहते थे, वो पूरा उनको स्पष्ट आदेश था कि कोई भी आदमी आएगा गरीब आदमी लौट के नहीं जाएगा, बिना मिले नहीं जाएगा, जो हमारे लंच में खाने में जाने में हमको विलम्ब हो जाए वो संभव है, हम 1 बजे 1.5 बजे के बाद बजाय हम 2:30-3 बजे जाए वो मंजूर है, लेकिन जो जिसके सेवा के लिए हमारी नियुक्ति हुई है, हम जिसके सेवक हैं, वो कैसे लौट जाएगा, वो तो मालिक है हमारा, गरीब आदमी है चाहे अमीर आदमी है, वो मालिक है, क्योंकि उसका टैक्स का जो पैसा है वो हमको वेतन में मिलता है, ये समझ हमको शुरू से रही है, और हम सेवक बनकर के सेवा किए हैं, मालिक बन के सेवा नहीं किए, तो ऐसी कृपा भगवान की ये सद्बुद्धि है, और भगवत गीता रखने से वो सब बुद्धि ऐसे ही बनी है धीरे धीरे, ऐसा समझना चाहिए, बचपन से था, तो रखो, सब लोग रखो, बच्चे भी रखो, बुढ़े भी रखो, जवान भी रखो, सब रखो, और भगवत गीता का आदर करो, भगवत गीता विलक्षण ग्रंथ है, ये प्रमाणित हो चुका है, तुमको इसमें प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारा दुनिया में फैला हुआ है और लोग इसको अपना रहे हैं, सब और भी अपना रहे हैं, बड़े पैमाने पर अपनाएंगे, हमेशा अपनाते रहेंगे, इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इतना विलक्षण बाणी, ऐसे ऐसे शब्द इसमें है, ऐसे ऐसे विधान इसमें दिया हुआ है कि आश्चर्यचकित हो जाएगा, ये कंसेप्ट कहाँ से कौन ला सकता है, दुनिया में कोई नहीं ला सकता है जो कंसेप्ट, जो भाव, जो बातें, जो रहस्यपूर्ण गुण, रहस्यपूर्ण बातें भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को निमित्त बनाकर हमारे लिए कहे गए हैं, ये कोई किसी के दिमाग की उपज नहीं हो सकती, ये जो सर्वज्ञ है वही ये बात कह सकता है, और वही सर्वज्ञ मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, इसलिए गीता को अपनाओ बड़े पैमाने पर, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि।